हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आई वांट टू शेयर माय एनसीईआरटी स्ट्रेटजी टू यू विद यू ऑल दैट हाउ आई कंप्लीटेड माय एनसीईआरटीज एंड आई स्टार्टेड इन अक्टूबर लास्ट आई स्टार्टेड माय एनसीईआरटीज एंड आई स्टार्टेड विद एनसीईआरटी ज्योग्राफी एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स. सो सी, these all are the NCERT's books, geography for 6th to 12th, which I have completed. These all books I have completed first reading and important points, highlighted important points, and now I am doing MCQ practice with another book that is related to Drashti publication. You can see in my videos. And this is very helpful because in this there is questions of these types and in explanation there are so many facts which we can relate with question, and this is totally all about NCERT. So for Hindi medium student it will be beneficial, you can take. And for geography it is must. एटलस इज़ मस्ट फॉर ज्योग्राफी स्टूडेंट्स. ज्योग्राफी के लिए एटलस बहुत ज़रूरी है, आप एटलस ज़रूर लें, कोई भी हो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम. मैंने इसको आधे से ज़्यादा पढ़ा हुआ है. ये देखिए कुछ चीज़ें हाईलाइटेड भी हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई है. और ये है, ये ज्योग्राफी 6th to 12th बुक्स हैं जो मैंने कम्प्लीट की है. ये आप देख सकते हैं, सॉरी, ये 6th क्लास की बुक है. दिस इज़ फॉर 7th, 8th, फॉर 9th, 10th, 11th. फर्स्ट बुक 11th क्लास के लिए दो बुक हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये. ये दोनों बुक 11th क्लास के लिए हैं और दो ही बुक 12th क्लास के लिए हैं यहाँ पर. ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये बुक मैंने अक्टूबर लास्ट में स्टार्ट की थी और मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ इनको जनवरी के स्टार्टिंग में ही. और आप देख सकते हैं, ये बुक है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9th 10th, ये कंप्लीटेड है. और इनके मैं नोट्स बना रही हूँ अभी, कुछ नोट्स बन चुके हैं, कुछ रह रहे हैं, सॉरी. ये 11th के लिए है और ये 12th के लिए दो बुक है, ये देखिए. उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी एंड एनी अदर एग्ज़ाम्स इज़ हिस्ट्री. और हिस्ट्री की ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा बुक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. ये देखिए, ये 6th क्लास की बुक है और किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा मोटी बुक्स होती हैं हिस्ट्री की, क्योंकि उनमें मैटर बहुत ज़्यादा होता है. और ये देखिए कितनी कलरफुल बुक्स हैं, बहुत अच्छे से इसमें सब कुछ दिखाया हुआ है, बहुत क्लियरली समझाया हुआ है. एनसीईआरटी तो होती ही है स्टैंडर्ड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में होती है समझाने के लिए. और ये 7th क्लास की बुक है, ये कंप्लीट हो चुकी है. दिस इज़ फॉर क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th एंड दिस वन इज़ फॉर क्लास 11th. और ये अभी आधी बची हुई है, आधी कंप्लीट हो चुकी है, आधी मैंने इसको पढ़ लिया है और आधी बची हुई है, इसको मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ. उसके बाद मेरी बस 3 बुक बचती हैं. ये जो 12th क्लास की बुक्स हैं वो 3 बुक हैं, ये देखिए, Part 1 एंड दिस इज़ फॉर Part 1, इट इज़ ऑल अबाउट इंडियन हिस्ट्री. Part 2 एंड Part 3. और जो क्लास 11th की बुक है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में है. सी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है और ये तीनों जो बुक्स हैं वो आपकी इंडियन हिस्ट्री की हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट माई एनसीईआरटी जर्नी. एंड इफ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर दैट वॉट यू क्वेश्चंस आर अबाउट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक्स.